ये इंशाल्लाह वेट करेंगे। ठीक है सेक्टा प्रो, ये वर्सेला ये ऐड कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली फ्रेश हो गए। ठीक है, अभी इंशाल्लाह आपको सॉफ्ट फूड जो है वो बनाने का तरीका बताता हूँ। इस टाइम पे जो चीज़ मैं अपने बर्ड्स को यूज़ करवाता हूँ इंशाल्लाह, वो आप दोस्तों को मैं बताऊँगा कि मैं क्या यूज़ करवाता हूँ। तो वीडियो की जानब बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलें सारा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो चेक करें दोस्तों, ये एग वग़ैरह जो है ये मैश कर रहा है। तो उसके बाद जो है ये सब्ज़ियाँ कुछ, ठीक है, ये मैश की जाएंगी। चेक करें तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप दोस्तों को पता चले सॉफ्ट फूड के मुतालिक। तो दोस्तों एग हो गया है मैश, कम्प्लीटली मैश हो गया है। ठीक है, ये बिल्कुल ये दाना दाना बन गया। ठीक है, ऐसे करें, ये बिल्कुल मैश हो गया। ठीक है, अब जो है क्या नाम है, बाकी अब ये गाजर जो है, इस गाजर को मैश किया जा रहा है। चेक करें जी, यानी साथ साथ आपको मैं बताता जाऊंगा क्या क्या इसमें ये चीज़ें डाली जा रही हैं। आप मौसम के हिसाब से बीच में सब्जियां वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मुझे फ़िलहाल जो बाज़ार से मिला था वो चीज़ें मैं ले आया, जो मिलते हैं मौसम के हिसाब से मुझे वो मैं ले आता हूँ। तो ये चुकंदर जो है वो छीला जा रहा है, गाजर भी हो गई है, मैश हो गई है। अब ये चुकंदर के ऊपर से छिलका उतार के फिर इसे मैश करेंगे। ठीक है, तो ये जिस भाई के पास जितने बर्ड्स हैं उस हिसाब से बना रहा हूँ। मेरे पास जो बर्ड्स हैं उस हिसाब से मैं क्या नाम है सॉफ्ट फूड बना रहा हूँ ताकि ज़ाया ना हो। ठीक है, एक एक डेढ़ डेढ़ स्पून भी अगर फी बर्ड के आगे डाल दूँ तो इंशाल्लाह वो उनके लिए काफ़ी होता है। तो ये भी चुकंदर क्रश हो रहा है। तो उसके बाद हमारे पास एप्पल और कद्दू, सेब और कद्दू, ये दो चीज़ें हमारे पास रह जाएंगी, उन्हें हम क्रश करके वो भी बीच में डाल देंगे। फिर मेडिसिन वाली तरफ जाएंगे कि मेडिसिन कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं। चुकंदर भी जो है दोस्तों वो क्रश कर दिया गया है। अब जो है एप्पल की बारी है, एप्पल में से ये बीज वगैरह जो है ये निकाल देते हैं। ठीक है, ये निकाल दिए। उसके बाद जो है ये एप्पल को काटना है क्योंकि ये पानी छोड़ देता है। उस तरह अगर ये कद्दूकश पे इसके ऊपर आप करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, इसलिए ऐसे छोटा छोटा काट देते हैं हम ताकि पानी ना छोड़े और बर्ड आसानी से इसे खा सके। तो चेक करें, तो ये सेब जो है ये छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा छोटा ये क्रश कर दिया गया। ठीक है, काट दिया ये, देखें छोटा छोटा है कि बर्ड आसानी से ऐसे खा सके। अब कद्दू की बारी है, कद्दू को भी छोटा छोटा काट रहे हैं जी। चेक करें जी, कद्दू को भी छोटा छोटा क्योंकि ये भी पानी छोड़ता है और बर्ड जो है एक तो बैक्टीरिया का डर रहता है और बर्ड जो है वो खाता भी नहीं है फिर चीज़ ना, इरीटेट होता है बर्ड। तो इसे भी छोटा छोटा करके हम जो है इसमें डाल देंगे। और एक चीज़ इसमें मिक्स किस्म की दालें, जिसमें चने की दाल हो गई, लोबिया हो गया, ठीक है, जौ हो गई, जई हो गई, ये चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की दालें जो हैं वो भी आप पानी में भिगो के वो भी आप इसमें साथ डाल सकते हैं। मेरे पास तो आज ख़त्म हुई हुई है, इस वजह से मैं नहीं डाल पाया। तो आप दोस्तों ने वो भी बीच में लाजमी इस्तेमाल कर रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें आप किसी भी जनरल स्टोर से शॉपकीपर को कह के आप कह सकते हैं उसे मिक्स दालें जो हैं वो आपको बना के दे देंगे। छोटी दाल कोशिश ये करना छोटी दाल नहीं हो, जितनी बड़ी दाल होगी उतना अच्छा रहेगा क्योंकि छोटी दाल बर्ड खाते हैं नहीं हैं, वो आपकी ज़ाया जाती है जी। तो चलें ये कटिंग होती है, उसके बाद का प्रोसेस आप दोस्तों को दिखाते हैं जी। तो ये हमारा जो सॉफ्ट फूड है ये तैयार हो गया है माशाल्लाह से। अब इसमें हमने मेडिसिन ऐड करनी है, चेक करें ये सारी मेडिसिन है। तो ये इंशाल्लाह हम ऐड करेंगे। ये आ गया एग एंड बिस्किट। ठीक है, ये एग एंड बिस्किट है, ये खोल के चेक करूँ जी जो इसमें यूज़ होगा। ठीक है, माशाल्लाह चेक करें, एग एंड बिस्किट की क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह। ठीक
ठीक है, ये मिक्स होगा, ये वीटा फार्म की ट्रू ग्रेट है, ये यूज़ होगी, ये कैल्सिलेक से हॉर्सेल लागा की, ठीक है, ये यूज़ होगी, ओमनीवेट है, फर्टिवेट है, प्रोबायोटिक है, स्पर्लिन है और इंसेक्टा प्रो है। ये सारी चीज़ें जो है इस सॉफ्ट फूड में हम ऐड करेंगे। ये आपने जो है क्या नाम है, ये केजी के हिसाब से है कि कितने केजी में क्या कितना यूज़ होता है। ये मेरा ख्याल से मेरा केजी नहीं है, थोड़ा है, तो मैं उस हिसाब से अंदाजन सारी चीज़ें इसमें ऐड करने लगा हूँ। ठीक है, ये ग्रेट इतनी बहुत है, काफ़ी है ये, ठीक है, काफ़ी सारी ग्रेट डाल दी है, ग्रेट इसमें ये काफ़ी है। अब इसमें डालते हैं जी एग एंड बिस्किट, एग एंड बिस्किट ऐड करने लगे हैं दोस्तों। ठीक है, मेरे पास वेट ग्राम्स वाले स्पून आती हैं वो नहीं है, तो इस वजह से मुझे अंदाजे से ये चीज़ें डालनी पड़ रही हैं। चेक करें जी, बस ये एग एंड बिस्किट काफ़ी है। अब जो है बाकी मेडिसिन कैल्सिलेक्स खोला हुआ है, कैल्सिलेक्स डालते हैं जी, चेक करें जी, कैल्सिलेक्स अब ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, ये कैल्सिलेक्स इसमें ऐड कर दिया। अब इंसेक्टा प्रो है, चेक करें इंसेक्टा प्रो, ये वर्सेलागा की नहीं है, ये मैंने एक यूज़ में मैंने मंगवाई थी लूज़ में, तो जो है क्या नाम, मेरे पास ये वर्निया खाली थी, ये डब्बे वगैरह खाली थे, तो उनमें मैंने भर के वो, तो यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया इंसेक्टा प्रो है ये। ठीक है, ये वर्सेलागा की नहीं है, ये आप किसी से भी अच्छी कंपनी का आप यूज़ करवा सकते हैं, जिस पे आप ख़ुद मुतमईन रहें, ये इंसेक्टा प्रो है। अभी ये ऐड करते हैं इसमें, ये प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है इंसेक्टा प्रो। अब ये इंसेक्टा प्रो इसमें ऐड करने लगे हैं, चल जी, ठीक है, ये इंसेक्टा प्रो डाल दिया जी, ज़रा सी इसमें और ऐड कर दी, बस ये काफ़ी है, ये काफ़ी है इसमें। अब जो स्पर्लिना ये ऐड करेंगे जी, ये आ गया स्पर्लिना, बस ये स्पर्लिना भी काफ़ी हो गया जी, ये भी ऐड हो गया। अब प्रोबायोटिक ये ऐड करते हैं जी इसमें, ये प्रोबायोटिक भी ऐड हो गया है, प्रोबायोटिक ऐड कर दिया। अब फर्टिवेट सर, अब फर्टिवेट ऐड करते हैं इसमें, ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फर्टिलिटी के लिए। बस ये भी काफ़ी है, अब इसमें ऐड करते हैं हम ओमनीवेट, ठीक है, ये बेहतरीन चीज़ है ओमनीवेट भी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मिक्स हो गई हैं, अब इन्हें हम सब चीज़ों को सही अच्छी तरह मिक्स करके फिर बर्ड्स के आगे सर्व करेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गए दोस्तों, चेक करें जी माशाल्लाह। तो अब इसे 2-3 मिनट छोड़ेंगे ताकि एग एंड बिस्किट जो है वो अच्छी तरह इसमें जितना भी नमी वगैरह है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, ताकि एग एंड बिस्किट जो है वो भी खुश ना रहे, वो भी गीला हो जाए और इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ठीक है, तो अब इसे बर्ड्स के आगे सर्व करते हैं, वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप दोस्तों से लेते हैं इजाज़त। तो चलें, अब इन्हें 2 मिनट बाद बर्ड्स को सर्व करते हैं और आप दोस्तों को दिखाते हैं। तो ये चेक करें जी, कासिम खान अभी भी नींद में, तो ये चेक करवाओ जी क्या है, ये कैल्सी वेट वीटा फार्म की जी, ये
एक लीटर पानी में एक ढक्कन जो है ये डालते हैं, तो बाकी ये एक लीटर पानी तकरीबन है जो मेरे बॉडी में यूज़ होता है। तो ये एक स्पून इसमें डाल दी, थोड़ा सा और डाल देगी। ये इसमें डाल दिया हमने। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके सॉफ्ट फूड से पहले जो है पानी लगाऊंगा ताकि बर्ड जो है सुकून से जो है पानी पी लें, क्योंकि सॉफ्ट फूड खाने के बाद जो है उसमें अपनी नमी भी होती है, सेब है उसमें, कद्दू है, ठीक है, तो वो पानी की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते, उससे जो है मेडिसिन आपकी ज़ाया हो जाती है। तो ये अभी मिक्स करके सबसे पहले पानी लगाएंगे ताकि वो पानी पी लें, उसके बाद जो है सॉफ्ट फूड उनके आगे रखेंगे। अच्छा एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि मैक्सिमम दोस्त हैं ये बाउल जो है भर के रख देते हैं, मेडिसिन डालते हैं, कहते हैं हमारा 3 लीटर 4 लीटर पानी लगता है, तो पानी इतना डालना है बाउल में कि ताकि पानी वो शाम तक ख़त्म कर लें और क्या नाम है आपकी मेडिसिन भी वेस्ट ना जाए, ज़ाया ना हो ना, क्योंकि इतनी महंगी महंगी जो है मेडिसन्स होती हैं वो जो है अगर आप ऐसे ही फजूल अगर ज़ाया करते रहे तो फिर तो आपका काम हो गया। तो ये उस इतना पानी डालें जितना वो पिए शाम तक आपका पानी, और तो इसमें से भी पानी बच जाता है, ठीक है, लेकिन ये है कि मेडिसन ज़ाया नहीं जाती है। तो चलें अभी कासिम खान जो है बॉट के आगे पानी लगा रहे हैं, तो चेक करें कैसे राह का मेल आ गया है। ये अभी पानी पिएगा। अब इक्वली सब में जो है सॉफ्ट फूड जो है वो डाल देंगे ताकि बराबर सबको तकसीम हो जाए। ये सॉफ्ट फूड भी जाता है लेकिन चलें ये बर्ड्स के आगे आप डालेंगे ताकि इक्वल इक्वल सबको आ जाए, सारे जितनी भी प्लेट हैं उनमें, ठीक है। ये इनफ है, एक चम्मच एक पेयर के लिए इनफ है, लेकिन ये एक चम्मच से ज़्यादा ज़्यादा इनको आता है हमेशा, जितनी कोशिश करता हूँ कम से कम बने, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ज़्यादा बन ही जाता है। तो चेक करें ये सब के आगे लगा के ये सब के आगे सर्व करते हैं जी। अब जिसमें थोड़ा थोड़ा कम है उसमें थोड़ा थोड़ा और डाल देंगे ताकि इस सुकून से खाए। और दूसरी बात ये सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीज़न में मैं ये मेडिसिन वगैरह यूज़ करवाता हूँ, मैं नॉर्मल डेज में मेडिसिन नहीं यूज़ करवाता, सिर्फ सॉफ्ट फूड देता हूँ, वो भी मेरे ख्याल से हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, बाकी मैं सॉफ्ट फूड नहीं यूज़ करवाता इतना ज़्यादा। मैं एप्पल वगैरह हो गया, ये चीज़ें छली वगैरह हो गई, इस तरह की कद्दू वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ वगैरह एक थोड़ा हफ्ते में 2 दफ़ा कर देता हूँ, बाकी मैक्सिमम हर चीज़ यूज़ करवाता रहता हूँ। अल्लाह कैसे मज़े से सॉफ्ट फूड खा रही, वो पसंद की नहीं और कपीर चेक करें, माशाल्लाह सॉफ्ट फूड खाने पे आ गई है, ये देखें माशाल्लाह सब पेयर माशाल्लाह जो है सॉफ्ट फूड खाते हैं, क्योंकि ये आदी हो गए। और बस दोस्त कहते हैं हमारे पेयर जो है सॉफ्ट फूड नहीं खाते, उन दोस्तों से ये है कि आप शाम के टाइम पे इनके आगे से 5 बजे 6 बजे के करीबन 6 बजे के करीब आप इनके आगे से सब कुछ हटा दें, तो पानी भी दाना भी, तो इंशाल्लाह ये जैसे ही आप सुबह इनके आगे सॉफ्ट फूड रखेंगे ये खाएंगे, 1-2 दिन तंग करेंगे फिर भी, लेकिन इंशाल्लाह आस्ता आस्ता यूज्ड टू हो जाएंगे और खाने लग जाएंगे। चेक करें माशाल्लाह मेरे सारे पैर माशाल्लाह से सॉफ्ट फूड खाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे करते हैं, एंड वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।